हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स जो है वो हम नेम रिएक्शंस के अपने सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो नेम रिएक्शंस की इस सीरीज़ में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और मैं सभी स्टूडेंट्स से चाहता हूँ कि वो बहुत सिंसियरली फॉलो करें। प्लीज़ हर वीडियोज़ को जो है वो अच्छे से देखें और अच्छे से उसको किस हिसाब से नेम रिएक्शन के साथ कोरिलेट करा रहा हूँ मैं, उसको आपको समझना है। चलिए, तो आज नेम रिएक्शन के लेक्चर में कुछ मैं जनरल टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपके पिछले क्लास में छोड़ा था, तो मैंने बताया था कि अब हम जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट में जो नेम रिएक्शंस मैं आपको अभी हाल फिलहाल में पढ़ाऊंगा, जो मेरा तरीका होगा वो क्या होगा थोड़ा देख लीजिए। हमारा एक तो आज मैं आपको रीअरेंजमेंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी सारे एक्सप्लेन करा दूंगा, बता दूंगा कि रीअरेंजमेंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। और चूंकि नेम रिएक्शंस के सेक्शन में हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन डील कर रहे हैं, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी। तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो पहले होगा बेसिक्स का, कि क्या है इसका बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरा, हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि क्या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है और क्या इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है और किस तरीके से उसको हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बड़ा बेसिक्स भी है वो ये कि क्या कंपैरिजन होता है रीअरेंजमेंट का दूसरे रिएक्शंस के साथ, जैसा कि इससे मिलते जुलते बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, यानी कि कंपैरिजन ऑफ रीअरेंजमेंट, कंपैरिजन ऑफ रीअरेंजमेंट विद अदर टाइप रिएक्शंस। स्पेशली फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे, उसका किस तरह से कंपैरिजन होता है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ भी पार्ट चलेगा, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से भी जुड़ा हुआ मैं आपको रीअरेंजमेंट का हिस्सा बता दूंगा, यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड रीअरेंजमेंट। इसमें एनजीपी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन मैं आपको बड़े अच्छे से यहाँ पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक। और भी छोटी छोटी चीजें हैं वो कवर करेंगे। चलिए, साइमन ही खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है और किस हिसाब से, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, यानी कि टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, और रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने का तरीका क्या होता है, यानी कि हाउ टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, आइदर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिक्स की, यानी कि बेसिक्स क्या होते हैं रीअरेंजमेंट। पहले उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरा एक तरीका है अपनाने का, तो मैं सिस्टमेटिक पहले उसको आपको तरीके को समझा दूंगा, उसके बाद ही स्टार्ट करूंगा आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को। बेसिक्स क्या है थोड़ा देखिए, हम टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं, रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं दो तरीके का, एक तो पढ़ते हैं लोअर ऑर्डर रीअरेंजमेंट, लोअर ऑर्डर या सिंपल रीअरेंजमेंट। दूसरा हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर रीअरेंजमेंट, हायर ऑर्डर रीअरेंजमेंट। लोअर ऑर्डर रीअरेंजमेंट जो होता है, या जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आयनिक रीअरेंजमेंट है, आयोनिक रीअरेंजमेंट है, ये हमेशा आप पढ़ते हैं वन टू टाइप का। किस तरीके का होता है ये, वन टू टाइप का। लेकिन जो हायर ऑर्डर रीअरेंजमेंट्स होते हैं वो वन टू के अलावा और भी तरीके के हो सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि ये एमएन टाइप का होता है, एमएन टाइप का होता है। एमएन टाइप को आप इस तरह से कह सकते हैं कि एम कुछ हो सकता है, एन कुछ हो सकता है, वन टू हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, वन फोर हो सकता है, वन फाइव हो सकता है, वन सिक्स हो सकता है, वन सेवन हो सकता है, थ्री थ्री हो सकता है, टू थ्री हो सकता है, फाइव फाइव हो सकता है, सेवन सेवन हो सकता है, नाइन नाइन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप हायर ऑर्डर रीअरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो वो सिंपल रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शन से अलग होते हैं और उनको स्पेशल ब्रांचेस में पढ़ा जाता है, जिनको आप पेरिसाइक्लिक बोलते हैं, चाहे फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं, या कुछ और स्पेशल तरीके के नेम रिएक्शंस में पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर
लोअर ऑर्डर या सिंपल रियरेंजमेंट्स की, यानी कि आयनिक रियरेंजमेंट्स की। अब यहाँ पर एम और एन का मतलब क्या है? एम और एन का मतलब यहाँ पर आपको, अगर आप हायर ऑर्डर नेम रेशियोज में पढ़ेंगे तो अलग मतलब होता है, और लोअर ऑर्डर नेम रेशियोज में पढ़ेंगे तो उनका अलग मतलब होता है। तो पहले मैं आपको आयोनिक रीअरेंजमेंट्स बता रहा हूँ, तो मैं आयोनिक रीअरेंजमेंट्स से रिलेटेड आपको टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा कि उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं और उनको किस तरह से रिएक्शन में यूज किया जाता है। चलिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दूंगा आपको, बढ़िया बढ़िया आपको चीजें बताऊंगा, आपको समझना है इसको, थोड़ा सा और सिंसियरली फॉलो करना है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, नोट्स भी बनाना है आपको अच्छे से, इनके लाइव सेशन भी मैं आपके लिए दूंगा, आपको सिंसियर रहना है मेरे साथ बस, क्योंकि ये कोई सिंपल वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा नेम्रेशन को कि आप चुटकियों में याद कर लेंगे। चलिए, तो अब मैं बात करता हूँ सिंपल आयोनिक रीअरेंजमेंट्स की, सिंपल जिसको हम आयोनिक कह सकते हैं, आयोनिक रीअरेंजमेंट्स। ये क्या है सिंपल या आयोनिक रीअरेंजमेंट? पहली बात तो एक समझ लीजिए कि ये हमेशा वन टू टाइप का होता है, और वन टू टाइप का मतलब यहां पर ये है कि जहां भी आपका रीअरेंजमेंट होगा इस तरीके का, या इससे जुड़े जो भी नेम रिएक्शंस होंगे, चाहे वो मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव में हो चाहे वो नेम रिएक्शंस पर्सपेक्टिव में हो, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा उनका जो इवेल्युएशन है वो वन टू टाइप का होगा। मतलब जो भी माइग्रेट करने वाली स्पीसीज है, जो भी अपना जो है वो स्पीसीज जो है वो टेंडेंसी रखती है रीअरेंजमेंट की या माइग्रेशन की, वो हमेशा अपने एडजेसेंट पोजिशन पर ही माइग्रेट करेगी, चाहे वो कैटायन की तरह करे, चाहे वो एनायन की तरह करे, चाहे वो किसी दूसरे स्पीसीज की तरह करे, जैसे हम कार्बीन की बात भी कर सकते हैं, कार्बीन या नाइट्रीन की बात भी कर सकते हैं, वो भी रीअरेंजमेंट देते हैं, तो वहां पर भी आपको एडजेसेंट पोजीशन पर ही रीअरेंजमेंट मिलेगा। तो देखिए, आयोनिक तो मैंने कार्बोकैटायन और कार्बेनायन से रिलेटेड बनाया, बट न्यूट्रल स्पीसीज भी रीअरेंजमेंट दे सकती हैं, तो वो कार्बीन और नाइट्रीन में होती हैं, उनका भी मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा। तो हम इनको अगर कहें तो हम यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज भी ऐड कर लेते हैं, न्यूट्रल में कार्बीन आएगा बाबू और आएगा नाइट्रीन, दो स्पीसीज आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर वन और टू का मतलब क्या है? वन का मतलब ये है कि जो भी माइग्रेट करने वाली स्पीसीज है वो अपना अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेके माइग्रेट करे या छोड़ के माइग्रेट करे अपनी एडजेसेंट पोजीशन पर जाएगी। तो अब यहां पर आपको किस तरह की टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, थोड़ा देखिए। पहला, माइग्रेटरी ओरिजिन, माइग्रेटरी ओरिजिन, ये मेरी टर्मिनोलॉजीज है, मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप इससे लिंक करके इसको पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, सीखना है आपको, रट्टा नहीं मारना। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी मिलेगी माइग्रेटरी टर्मिनस, माइग्रेटरी टर्मिनस। तीसरी स्पीसीज हमको जो मिलेगी कॉमन टर्मिनोलॉजीज के साथ, वो मिलेगी आपको माइग्रेटरी ग्रुप, इसको हम कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज कह लेते हैं। इसके बाद चौथी हमारे जो टर्मिनोलॉजीज हमको मिलेगी वो मिलेगी माइग्रेटरी एटीट्यूड, माइग्रेटरी एटीट्यूड। इसके अलावा हमको क्या मिलेगा, माइग्रेटरी एटीट्यूड के अलावा क्या मिलेगा हमको? माइग्रेटरी ओरिजिन हो गया, माइग्रेटरी टर्मिनस हो गया, माइग्रेटरी स्पीसीज हो गया, माइग्रेटरी एटीट्यूड हो गया, और एक और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं, वो है स्टीरियोकेमिकल, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ, स्टीरियोकेमिकल टर्मिनोलॉजीज ऑफ रीअरेंजमेंट, स्टीरियोकेमिकल टाइप टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे एंटी पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर, इस तरह के टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? अब मैं आपको पहले ब्रीफली थोड़ा सा समझा लेता हूँ, पहले मैं ओरली समझा लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। माइग्रेटरी स्पीसीज का मतलब ये होता है बेटा कि जिस भी स्पीसीज का इन्वॉल्वमेंट रीअरेंजमेंट के लिए हो रहा है, चाहे वो
एक एटम की तरह हो, चाहे वो किसी ग्रुप की तरह हो, चाहे वो किसी बॉन्ड की तरह हो, उसको आप माइग्रेटरी ग्रुप कहते हैं। माइग्रेटरी ग्रुप का मतलब है एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्राइड भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई दूसरा एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई बॉन्ड भी हो सकता है, सैचुरेटेड बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सैचुरेटेड बॉन्ड हो सकता है, कोई रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये कि कौन सी स्पीसीज माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखती है वो बहुत जरूरी है, और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके टेंडेंसी रखती है माइग्रेशन की या छोड़ के रखती है, उसके बिहाव पे हम उसको डिसाइड करते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक है या फिर न्यूट्रल टाइप का रीअरेंजमेंट। अभी उस पर मैं आऊंगा, अभी ध्यान से देखिए। तो उसको आप बोलेंगे माइग्रेटरी स्पीसीज। माइग्रेटरी स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच आर हैविंग टेंडेंसी टू माइग्रेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू एडजेसेंट पोजीशन, आइदर एज अ एटम और एज अ ग्रुप और एज अ स्पेसिफिक ग्रुप और एज अ रिंग सैचुरेटेड बॉन्ड। और जिस जगह पर वो जुड़ी हुई थी, जिस जगह से ओरिजिनेट किया उसने रीअरेंजमेंट को, द पोजिशन एट विच दैट माइग्रेटरी ग्रुप इज इनिशियली प्रेजेंट एंड दैट टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम दैट पोजिशन टू एडजेसेंट पोजिशन, दैट पर्टिकुलर इनिशियल पोजिशन इज नोन एज माइग्रेटरी ओरिजन, दैट इज नोन एज माइग्रेटरी ओरिजन। एंड दैट पोजिशन वेयर दैट टेंड्स टू माइग्रेट after the migration, that position, that particular position is known as migratory terminus। मतलब ये कि जहां से वो initiate करे अपने migration को, जहां से शुरुआत करे अपने migration का, उसको migratory origin, जहां पे migrate करके जाए उसको बोलते हैं migratory terminus। और जो group, जो atom, जो ring का saturated bond migrate करने की tendency रखे उसको बोलते हैं migratory group या migratory species। migratory atom भी हो सकता है, migratory group भी हो सकता है, migratory bond भी हो सकता है, saturated होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। migratory amplitude क्या है? देखिए migratory amplitude का मतलब होता है कि जिस group या जिस atom या जिस ring के saturated bond को आप shift करा रहे हैं, migrate करा रहे हैं, rearrange करा रहे हैं, उसकी कितनी टेंडेंसी है माइग्रेट करने की। और एक बात ध्यान रखिएगा, माइग्रेट करने की टेंडेंसी हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। थ्योरेटिकली उसको हम बता सकते हैं कि इसका क्यों माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उसका सही कारण होता है कि उसका माइग्रेशन क्यों हो रहा है। तो दैट टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन और रीअरेंजमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एनी ग्रुप एटम और रिंग ऑफ सैचुरेटेड बॉन्ड टू माइग्रेट, that particular possibility of migration is known as migratory aptitude, and migratory aptitude is an experimental factor that is not theoretical factor. Mark this point in your mind. Now stereochemical requirement kya hai? Stereochemical requirement ka matlab ye hota hai ki stereochemistry ka kya role hai, what is the role of stereochemistry to decide whether the rearrangement process will occur or not, and if it occur then what is the possibility of its rearrangement rate, whether it is fast or whether it is slow, okay? Rearrangement तेजी से होगा या rearrangement slow होगा, इसका भी stereochemical requirement होता है, जैसे anti-periplanar, syn-periplanar, concerted mechanism, non-concerted mechanism, इस तरीके। अब मैं आपको ये terminologies लिखा, इसमें एक और चीज है कि what is the cause of rearrangement reaction? क्या कारण होता है किसी rearrangement reaction का? ध्यान रखिएगा बेटा, किसी भी रीअरेंजमेंट का कारण होता है, किसी भी शिफ्टिंग का कारण होता है स्टेबिलिटी गेन करना। थर्मोडायनेमिकली तो स्टेबिलिटी गेन करना होता है, लेकिन काइनेटिक टर्म में उसका रेट भी डिटरमिनिंग फैक्टर होता है कभी कभी। देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एंड काइनेटिक पैरामीटर। वैसे तो देखा जाए तो ज्यादातर स्पीसीज अपनी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट करती है, लेकिन कभी कभी कुछ स्पीसीज अपनी काइनेटिक स्टेबिलिटी के हिसाब से भी रीअरेंजमेंट करती हैं। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट होता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस रीअरेंजमेंट कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, द कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, द कॉज ऑफ रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस टू बी इन एग्जिस्टेंस, कि उसका एग्जिस्टेंस आया, उससे रिलेटेड नेम रिएक्शंस बने, उसका कारण ये होता है कि आपको काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी गेन करना होता है।
और काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हर एक सबस्ट्रेट पर, हर एक रिएजेंट पर, हर एक रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग होती है। तो उसको इवेलुएट करना, उसको समझना, उसको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब इन टर्मिनोलॉजीज को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, और इनको थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से, और फ्रेगमेंटेशन की भी टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसी के साथ आपको आसान से समझ में आ जाएगा। मैं इसके लिए जो है वो एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, एग्जाम्पल नेम रिएक्शंस का भी हो सकता है और सिंपल रिएक्शंस का भी हो सकता है। अब पहले हम बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रिएजेंट भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझना है। और टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखिएगा, उस स्पीसीज पर डिपेंड करता है जिस स्पीसीज से रिअरेंजमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा दिखाऊं, एग्जांपल दिखाऊं, ये वैसे मेरे पास एग्जांपल है, केवल मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। वैसे तो ये क्लेडन का एग्जांपल है, बट आप करूथर के एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब एग्जांपल मैटर करता है, मेरा यहाँ मैटर नहीं करता कि हम क्या ले रहे हैं, हम करूथर का एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, जैसे आपके पास ये लीविंग ग्रुप है, तो लीविंग ग्रुप में आप जिस सेंटर पर लीविंग ग्रुप लिए हो, मान लो उसको अपने बनवा लिए, और इस सेंटर पर आपने यहाँ पर जहाँ दो तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये तीन मिथाइल ग्रुप वाली पोजिशन को आपने बनवा लिया। अब अगर मैं आई को देखूं, तो आई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके टेंडेंसी निकलना रखना चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर जाऊं मैं। अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर जाएगा, तो इसका मतलब जो वन का नेचर है वो पॉजिटिव है। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस सेंटर पर आप माइग्रेट करके किसी ग्रुप को या किसी एटम को या किसी रिंग के बॉन्ड को ले जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है या रिच। जैसे यहाँ पर डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर जो स्पीसीज माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखेगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखेगी, क्योंकि जहां पर वो माइग्रेट करके जा रहा है, वहां पर लीविंग ग्रुप नेगेटिव की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मिथाइल माइग्रेट कर सकता है, चाहे उनसे कोई भी मिथाइल माइग्रेट करे, माइग्रेट कर सकता है, और जिस पोजिशन से और जिस पोजिशन पर वो माइग्रेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, उसमें से जहां पर मैंने लीविंग ग्रुप रखा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, माइग्रेटरी ओरिजिन बोलूंगा। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी, ध्यान रखिएगा, किसी भी रीअरेंजमेंट में जो टू पोजीशन होती है, दैट इज माइग्रेटरी टर्मिनस, और जो वन पोजीशन होता है, दैट इज माइग्रेटरी ओरिजिन। और जिसने भी माइग्रेटरी ओरिजिन और टर्मिनस को पहचान लिया सही तरीके से, उसने रीअरेंजमेंट्स को समझ लिया, उसको रट्टा नहीं मानना, फिर उसको बस नेम रिएक्शन को थोड़ा सा उसके साथ मेमोराइज करना है, लिंक करना है कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है, दैट्स इट। बाकी उसको मैकेनिज्म समझने में और करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर इस पोजीशन के सेकंड वाले को, तो इसको मैं बोलूँगा माइग्रेटरी टर्मिनस। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, वैसे तो मैं अभी आपको इसको इवेलुएट करता हूँ कि इसको हर तरह की स्पीसीज में किस तरह से लिंक किया जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर अभी चूंकि हम यहाँ पर एक स्पीसीज को जो जो मिथाइल है, उसको मैं माइग्रेटरी ग्रुप बोलूँगा। क्या बोलूँगा मिथाइल को? इसको मैं बोलूँगा माइग्रेटरी ग्रुप। अब मान लीजिए कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा तरीके के ग्रुप होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं या रिंग का बॉन्ड होता, तो किसकी माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती, कौन आसानी से माइग्रेट करता, उसको हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या समझा रहा है क्या नहीं समझा रहा है वो अलग बात है। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है, वाटर के साथ एक्वा सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है, बट ये दिखा रहा है कि ये कार्बन स्टेबल नहीं बनाता। अभी कार्बन क्यों स्टेबल नहीं बनाता, क्योंकि प्राइमरी कार्बन आयन यहाँ पर बन रहा है। तो ये कह रहा है कि SN2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बल्कि साइज का है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके SN2 नहीं देगा। कार्बन भी स्टेबल नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर SN1 भी नहीं होगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी वो एक अलग की बात है। मिथाइल शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होगी वो ये होगी, वो दिखा रहा है थोड़ा देखिए ध्यान से। तो वो ये दिखा रहा है कि मिथाइल को शिफ्ट तो कराया जा रहा है और वहां पर OH चलाया जा रहा है, लेकिन बिना कार्बोकैटायन के। अब इस तरीके के बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स होते हैं जो दो स्टेप में होते हैं, जो कंसर्टेड होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, बट उनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, और कैसे पता लगाते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर है कि इंटरमॉलिक्यूलर है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी, जहां पर आपने वन दे दिया, दैट विल बी माइग्रेटरी ओरिजिन। जहां से ग्रुप या एटम या बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, दैट विल बी माइग्रेटरी टर्मिनस। और जिस भी एटम को या जिस भी ग्रुप को या जिस भी रिंग बॉन्ड को आप माइग्रेट करा रहे हैं, दैट विल बी माइग्रेटरी स्पीसीज। और एग्जांपल लेते थोड़ा सा देखिए, मैं कभी कंपेयर करूंगा ना फ्रेगमेंटेशन के साथ इसको, तो आपको बताऊंगा इसको अच्छे से।
तो आप देखिए ध्यान से इसको, तो यहां पर क्या हो रहा है थोड़ा देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि पहले सिल्वर प्लस की वजह से ये आई जो है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन जा रहा है। आप कहिए कि द सिल्वर कैटायन विल फैसिलिटेट द लीविंग टेंडेंसी ऑफ दिस आई एंड ऑल्सो इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस आई हैविंग द कार्बन। द कार्बन इज बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ सिल्वर प्लस टू दिस ग्रुप एंड नाउ व्हाट हैपन। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आपने इसको एक बढ़िया तरीके का लीविंग ग्रुप और बढ़िया तरीके का लीविंग ग्रुप बना दिया, अब इस मिथाइल को आपने मजबूर कर दिया कि ये दो से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके शिफ्ट कर दिया वन पे और आई को निकाल दे। गैरा स्पेशल एरो टू स्लो द माइग्रेशन, देखिए जो स्पेशल एरो है ये वाला एरो दिखा रहा हूँ मैं, ये माइग्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये ग्रुप पहले टू पे था। देखिए एक पार्शियल बॉन्ड बनाया गया है कि पहले टू पे था और फिर ये शिफ्ट करके ये चला गया वन पे और लीविंग ग्रुप को निकाल दिया। सो दिस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट। Whether the rearrangement is concerted, whether the rearrangement is non-concerted, it will depend on the reagent, it will depend on the substrate. But definitely, the major factor is that you have to understand, आपको समझना पड़ेगा कि migratory origin क्या है और dependence क्या है। जो भी है, leaving group निकल गया, ये transition state बन गई, ये carbon rate। अब आप देखिए ध्यान से, पहले हम carbon इसलिए नहीं बना रहे थे कि जहां carbon बन रहा था वो stable नहीं था। अभी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो स्टेबल है, क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकैटायन है और वहां पर ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 3, 3, 6 और 2, 8 हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है और टर्शरी होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब इस पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिए एंड दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट। तो माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप क्या है, वो आपको समझ में आया। और देखिए एग्जांपल, हम ये है ना यहाँ पर आपको जो है वो समझा क्या रहे हैं वो समझिएगा। हम आपको एग्जांपल में माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में बता रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके की स्पीशीज ले लीजिए, थोड़ा अभी होमोलूमो की तरह देख लीजिए इसको, होमोलूमो भी समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक कार्बोकैटायन जनरेट किया, ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, डेफिनेटली यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको किस तरह से नंबर किया है वो छोड़ दीजिए, मैं आपको अपनी नंबरिंग बता रहा हूं। जहां पे आपने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया है उसको हमेशा आप इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 मान लीजिए, और इसके बगल में यहां पर 1 मान लीजिए जहां पे ग्रुप है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, तो आपके पास एक तो मिथाइल लगा हुआ है यहां पे और 2H, और मैं अगर बात करूं तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर ऑर्बिटल दिखाया गया, देखिए ध्यान से ये ऑर्बिटल दिखाया गया है, और ये इसको कह रहा है लूमो है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो ये बॉन्ड है, चाहे वो मिथाइल के साथ बॉन्ड हो चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो, ये दोनों बॉन्ड को आप इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चुके जा रहे हैं, तो इसको आप मान लीजिए कि ये होमो है। तो अब जैसे मिथाइल के साथ दिखाया गया है, अगर गौर कीजिए तो देखिए मिथाइल फील्ड है, तो इसको अगर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखिए बेटा ये सेकेंडरी, अगर आप मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट विल टू गेन द स्टेबिलिटी, बट सिंस दिस सेकेंडरी कार्बन इज मोर स्टेबल दिस दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, सो दिस टेंडेंसी ऑफ रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, नहीं हो गया ये रीअरेंजमेंट, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा। तो कॉज रीअरेंजमेंट का स्टेबिलिटी गेन करना है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हो चाहे वो काइनेटिक स्टेबिलिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं एच की, अगर मैं यहां से H को शिफ्ट करा दूं, अगर H को अपना स्पीसीज लेकर के इसके साथ शिफ्ट करा दूं, तो ये तब भी कार्बोकैटायन जो बनाएगा वो सेकेंडरी ही कार्बोकैटायन बनाएगा। इसका मतलब उस सिचुएशन में भी कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टर्मिनस ओरिजिन, देखिए टर्मिनस तो मौजूद है, ओरिजिन भी मौजूद है, लेकिन माइग्रेटरी ग्रुप नहीं मौजूद है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ना तो माइग्रेटरी एटम है, ना माइग्रेटरी ग्रुप है, ना माइग्रेटरी स्पीसीज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे में दिखाया गया है एक और एग्जांपल, वो एग्जांपल क्या दिखाया गया थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। रग्नर मियरबीन आ गए हैं, रग्नर मियरबीन मतलब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, देखिए और थोड़ा सा हल्का सा जूम करता हूँ,
देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पे टर्सरी, ठीक, और टर्सरी क्या है यहाँ पर, कार्बन कटायन प्राइमरी है, ये आपका लूमो है, प्राइमरी कार्बन कटायन, ये तो एच के साथ होमो दिखाया गया है, बॉन्ड दिखाया गया है। अगर मैं इस एच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इस होमो को इसके लूमो के साथ इंटरेक्ट करा दूँ, वो भी 1-2 माइनर में, तो जहाँ से ये जा रहा है, ये पोजिशन आपकी ओरिजिन है, और जहाँ पे जा करके ये शिफ्ट करेगा उसको आप टर्मिनस बोलेंगे, और जिस एटम को आप माइग्रेट कर रहे हैं इसको माइग्रेटरी स्पीसीज बोलेंगे, माइग्रेटरी एटम बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस एच को अगर बगल में यहाँ शिफ्ट कर दें, शिफ्टिंग दिस एच टू दिस कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 2 मीन्स दिस पोजिशन, इफ यू टेक इट ए एंड इफ यू टेक इट बी, सो फ्रॉम ए टू बी, सो देन दिस विल बी रियर। और क्या होता है, इसी रियरेंजमेंट का एक नाम होता है जिसको आप नेबरेशन बोलते हैं। अगर कोई कार्बोकेटायन प्राइमरी NH2 के डाइल्यूटाइजेशन से बना है और वो फिर वो रियरेंजमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं टिफ्नोडाइमर रियरेंजमेंट। अगर कोई कार्बोकेटायन डाइल्यूटाइजेशन के अलावा किसी तरीके से बना है, चाहे वो डबल बॉन्ड के प्रोटोनेशन से बना हो, चाहे वो किसी लीविंग ग्रुप का निकलने से बना हो NH2 को छोड़ के, तो उस कार्बोकेटायन के रियरेंजमेंट को, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कराने के लिए जो आप रीअरेंजमेंट कराते हैं, उसको आप बोलते हैं वैगनर मियर वीन रीअरेंजमेंट, दैट विल बी अ बिकम्स अ नेम रिएक्शन। अब अलग अलग सब्सट्रेट हो सकते हैं, अलग अलग रीजेंट हो सकते हैं, अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, बट उसका प्रोसीजर, उसका तरीका एक ही होगा। समझा दिया मैंने। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा अब यहाँ पर हम एग्जांपल को बदलेंगे, ठीक। एग्जांपल पे हमारे आते हैं, मिसलिए थोड़े एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये लेते हैं आपके लिए, अब नेम रिएक्शन में क्या है उसको बात की बात है, मैं टर्मिनस ओरिजिन समझा रहा हूँ। देखिए NH2 है, डाइल्यूटाइजिंग रिएजेंट है, NH2 के साथ डाइल्यूट से ले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया, जहाँ अच्छा लीविंग ग्रुप बना ये बी हो गया, बी का मतलब ये 2 हो गया, मतलब टर्मिनस बन गया, और ये है ओरिजिन, और OH यहाँ पर एक स्पीसीज आ रही है OH, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट करा रहा है इस दो रिंग बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर एक H है और एक रिंग बॉन्ड है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और एक ये रिंग का बॉन्ड भी है। अब जो रिंग का बॉन्ड है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा सकता है, अगर सेचुरेटेड होना चाहिए था रखिएगा, और H भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिंग के बॉन्ड को शिफ्ट कराया गया है। तो एक और कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजी जनरेट होती है इसे इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, बट इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप एक जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं है। जनरल टर्मिनोलॉजी एक बहुत ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो हर जगह इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप, ये सब ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको जब मैं इसको फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के साथ कंपेयर कराऊंगा तो बताऊंगा। बट ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ के यहाँ ले आया, अगर यहाँ से तोड़ के यहाँ ले आया तो इसकी रिंग का साइज बढ़ गया, और उसको बोलते हैं आप रिंग एक्सपेंशन। अभी रिंग का साइज कम हो गया तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, अभी रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन काइनेटिक भी हो सकता है, थर्मोडायनेमिक भी हो सकता है, काइनेटिक स्टेबिलिटी भी गेन कर सकता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी गेन कर सकता है। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, कब वो प्रोसीड करेगा, कब नहीं करेगा, ये मैटर करता है, डिपेंड करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी है, सो ये बन गया आपका साइक्लो ऑक्टेनॉन। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, तो यहाँ पर ये भी एक नेम रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेमी पिनाक्लोन रियर। सेमी पिनाक्लोन रियरेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि कहीं 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 किसी भी रिएक्शन में अगर आप गुड लीविंग ग्रुप लेते हैं और उसके बगल में अगर OH होता है या OH जैसा कोई भी ग्रुप होता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी ग्रुप होता है या लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी ग्रुप होता है तो उसको सेमी पिनाक्लोन रियरेंजमेंट बोलते हैं। देखिए देखिए सेमी पिनाक्लोन इज अदर थिंग, बट अब पढ़ते कैसे हैं सेमी पिनाक्लोन को, इफ यू टेक OH एंड टेक ए गुड लीविंग ग्रुप एडजेसेंट टू इट, देन बाय दिस रिएक्शन कीटोन विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सेमी पिनाक्लोन। एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आप रट्टा मारते हैं, याद नहीं करना आपको, आपको समझना है कि ये उस नेम रिएक्शन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके साथ किस तरह से लिंक होना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक, समझा दिया मैंने आपको लीविंग ग्रुप, 1 इज माइग्रेटरी ओरिजिन, 2 इज माइग्रेटरी टर्मिनस, OH इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, एंड 2 इज अ लीविंग ग्रुप, एंड द बॉन्ड व्हिच इज हैविंग टेंड्स टू माइग्रेट, दैट इज कॉल्ड माइग्रेटरी सैचुरेटेड सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने सारा समझा दिया आपको, हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिए हैं, और भी एग्जांपल लेंगे तो ये हम इनकी बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा, अब आपको जो है
वो थोड़ा समझाते हैं अपने लैंग्वेज में, क्लियर हो गया होगा मेरी बात। माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, टर्मिनस क्या है, माइग्रेटरी एटम क्या है, माइग्रेटरी ग्रुप क्या है, माइग्रेटरी बॉन्ड क्या है, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी। अब हम बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट किस तरीके से हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो हम रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं, और रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे कार्बो कैटायन या कहिए कैटायनिक टाइप, दूसरा कार्बनायन और एनायनिक टाइप, और तीसरा न्यूट्रल टाइप। जो तीसरा वाला न्यूट्रल है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट वाला है, न्यूट्रल टाइप रीअरेंजमेंट्स। अभी न्यूट्रल टाइप रीअरेंजमेंट्स में आपका कार्बीन और नाइट्रीन कवर हो जाता है, कार्बीन बेस्ड रीअरेंजमेंट एंड नाइट्रीन बेस्ड रीअरेंजमेंट्स। बहुत सारे कार्बीन बेस्ड रीअरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे वुल्फ रीअरेंजमेंट है, स्केटाबॉल रीअरेंजमेंट है, ऐसे बहुत सारा रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा जो कार्बीन बेस्ड होता है और नाइट्रीन बेस्ड। नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन बेस्ड रीअरेंजमेंट। नाइट्रीन में जैसे कर्टियस है, लॉजन है, सिमेट है, हाफमैन ब्रोमाइड है, वो सारे रीअरेंजमेंट्स होते हैं। बेकमन है, बेकमन भी आपका, बेकमन एक तरीके से कार्बोकैटायनिक टाइप का हो गया, लेकिन बट ये सही बात है कि नाइट्रीन टाइप के बहुत सारे और अदर रीअरेंजमेंट्स भी हो सकते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट बहुत अच्छा फेमस रीअरेंजमेंट है। अब कार्बोकैटायनिक और कैटायनिक टाइप का मतलब ये होता है कि दोज टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट टाइप नेम रिएक्शंस वेयर यू आर टेकिंग अ लीविंग ग्रुप एट माइग्रेटरी ओरिजिन और एनी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर हैविंग लीविंग ग्रुप और एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज नोन एज कार्बोकैटायनिक और कैटायनिक रीअरेंजमेंट। मतलब कहने का यह हुआ कि वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें माइग्रेटरी टर्मिनस को आप एक इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर कंसिडर करें, उसके ऊपर लीविंग ग्रुप हो, चाहे उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, चाहे वो पाई बॉन्ड के साथ हो, चाहे सिग्मा बॉन्ड के साथ हो, लीविंग ग्रुप की तरह कार्बोकैटायन बना करके हो, उसको आप कैटायनिक टाइप का रीअरेंजमेंट बोलते हैं। एंड इन दिस रीअरेंजमेंट द माइग्रेटरी स्पीसीज विल बी ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो माइग्रेटरी स्पीसीज होगी वो हमेशा और हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल होगी, और इस तरीके के रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को आप न्यूक्लियोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक टाइप का 1-2 टाइप का रीअरेंजमेंट बोलेंगे। और ये जितना भी रीअरेंजमेंट होता है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे रीअरेंजमेंट्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी नेम रिएक्शंस आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होंगे, वो सारे के सारे कार्बोकैटायनिक और कैटायनिक टाइप के ही होते हैं, अगर आप कार्बिन नाइट्रिन को छोड़ दें तो। और कार्बन आयन, देखिए ध्यान से मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर जहाँ पे आप ग्रुप को माइग्रेट करा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिफिशियंट सेंटर होता है, चाहे वो लिविंग ग्रुप के साथ हो, चाहे वो किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप के साथ हो, चाहे किसी पाई बॉन्ड के साथ। और जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह माइग्रेट करती है। लेकिन अगर आपने एनायनिक टाइप का कोई रीअरेंजमेंट करा रखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो माइग्रेटरी ओरिजिन है ना और टर्मिनस, उसमें ओरिजिन जो है वो एनायनिक होती है, ठीक। लेकिन एनायनिक का मतलब वहां पर निगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है, और वो माइग्रेट करती है, वो अटैक करती है किसी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर पे, और वो उसके साथ जुड़ करके माइग्रेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का रीअरेंजमेंट, क्योंकि जो यहाँ माइग्रेटरी स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल। और ऐसे रीअरेंजमेंट्स बहुत कम होते हैं, बहुत खास होते हैं, इनको इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का या इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट स्पीसीज टाइप का रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बाकी न्यूट्रल में मैंने आपको बताया, अगर कहीं कार्बीन बन के
वहाँ रीअरेंजमेंट फैसिलिटेट हो तो उसको कार्बिन टाइप का रीअरेंजमेंट बोलेंगे, और नाइट्रीन बना करके अगर रीअरेंजमेंट फैसिलिटेट हो उसको तो नाइट्रीन टाइप का रीअरेंजमेंट बोलेंगे। बहुत सारे नेमरेशन आप पढ़ते हैं उस पर बेस्ड। तो यहाँ हमारा फोकस किस पे होगा, न्यूक्लियोफिलिक टाइप के, कैटायनिक टाइप के या कार्बोकैटायनिक टाइप के रीअरेंजमेंट्स पर, और यही सारे नेमरेशन हम पूरा पढ़ेंगे, चाहे वो पिनेकल पिनेकल हो, चाहे वो सेमी पिनेकल हो, चाहे वैगनर मियरबीन हो, चाहे टिफिनो डैनजन हो, चाहे डैनजन हो, डायनोन फिनाल हो, कोई भी रीअरेंजमेंट हो, फ्लावर्स की हो, बेंजिल बेंजिलिक हो, सेमी बेंजिलिक हो, डेकिन रीअरेंजमेंट हो, बेयर वेलेजर ऑक्सीडेशन हो, बेकमान रीअरेंजमेंट हो, बेकमान फ्रेगमेंटेशन हो, नीबर रीअरेंजमेंट हो, और भी बहुत सारे स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट्स आप पढ़ते हैं, रिंग एक्सपेंशन टाइप वाले रीअरेंजमेंट्स और रिंग कॉन्ट्रक्शन टाइप वाले रीअरेंजमेंट्स, सब के सब जो है वो आप डील करेंगे। तो अब मैंने आपको जनरलाइज कर दिया, समझा दिया, बता दिया, अब जो है मैं आपके लिए क्या स्टार्ट करूंगा वो थोड़ा देख लीजिए। अब हमारा पार्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट्स पे, और क्या क्या सीजन में हम फोकस करेंगे थोड़ा देखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक टाइप के रीअरेंजमेंट नेम रिएक्शंस की बात करूंगा मैं, और इनमें मैं एक तो आपको नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा इससे जुड़े हुए, लेकिन लिंक करके पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा लेकिन आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा। दूसरा इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको, मैकेनिज्म एस्पेक्ट क्या होता है इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होता है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होता है, और फिर आपको इनमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बताऊंगा कि इनको किस तरीके से इनके मैकेनिज्म को स्टडी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू स्टडी वो बताऊंगा आपको, और एक और चीज कवर कराऊंगा वो है कि कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक टाइप रीअरेंजमेंट विद फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन एक स्पेशल कैटेगरी, उसके साथ कंपेयर कराऊंगा आपको, और फिर हमारा जो है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस चल पड़ेगा, ये खत्म होगा, फिर मैं आपको एनेबलिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ाऊंगा, एनजीपी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। ध्यान रखिएगा बेटा, सारी वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बनाऊं, इस प्लेटफॉर्म पर लाऊं, लेकिन ये है वीडियोस छोटी छोटी होंगी, आप अच्छे से जल्दी से पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट होंगी, अननेसेसरी उसमें कोई जो है ना तो बहुत ज़्यादा समय उसमें ख़राब आपका होगा, ना तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कोरिलेशन में आपको दिक्कत होगी कोई, सीधा सीधा टू द पॉइंट रहेंगे, आपको समझ में आएगा उसमें, ठीक। तो आप बस इतना आपसे ज़रूर बात है, प्लेलिस्ट बना करके मैं इनेमरेशन के डाल दूंगा, और भी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, जितना आप लोगों को शेयर करें, जितना आप लोगों को बताएं इसके बारे में, जितना आप लोगों को इसको समझाएं कि मेरे भाई इसको पढ़ो समझो, देखिए कंप्लीट कोर्स मेरा चल रहा है, सब चीज़ें बनी हुई हैं मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि आपको और आपके दोस्तों को और आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग मिलते हैं आपको उनको फ़ायदा हो सके, ठीक। और इनोलेट के भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, इनोलेट केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, उसको भी डाल दूंगा। अपने मैं क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आ ही रहा हूँ, मैं मल्टी कंसेप्चुअल सीरीज लेके आ रहा हूँ, उनके लिए मैं लाइव क्लासेस भी ले लूँगा आपको, उसके लिए जो होता है वो मैं लाइव क्लास के अलावा जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन एक बात समझिए बेटा, यूट्यूब का हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी मदद के लिए है, लेकिन आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको फायदा, अच्छा पढ़ने के लिए आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, समय यहाँ तो लिमिटेड ही है, तो समय ज़्यादा देने का तरीका क्या है, समय ज़्यादा देने का तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर आइए, द केमिस्ट्री पॉइंट हमारा ऐप है, आपको मैं लिंक दे दूंगा इस ऐप का, आप उस लिंक से डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि अब हमारा जो कोर्स है वो मैंने एक बड़ी कंफर्टेबल और बहुत बहुत रीजनेबल आपके लिए उसका सब्सक्रिप्शन प्राइस कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के रीच में पहुँचे इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ
कि बस ऑर्गेनिक का जो डर है, जो ऑर्गेनिक का जो एक भय का माहौल है, वो पूरी तरह से सारे बच्चों के बीच में खत्म हो। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। मैं आपको ऐसा नहीं बेटा कि एक दो लेक्चर बना के छोड़ दूंगा, मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ करता रहूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है और वीडियो शेयर करनी है आपको बच्चों को, ठीक है। चलिए, मैं आपके सामने हर एक स्टूडेंट से ये बोलूँगा कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे हो, शेयर करें बच्चों को, बताएं, क्योंकि जितना आप बताएंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर इसके बाद हम अपने नेमरेशन के थर्ड लेक्चर को लेकर के आएंगे। बीच बीच में हम कुछ चेंज भी, मेकओवर भी करते रहेंगे, चेंज भी करते रहेंगे, जैसे कि अब हमको जो है वो रिएक्शन मल्टी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी आप पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा आप लाइव जुड़िए, अपने डाउट शेयर कीजिए मुझसे। क्लेडन और कैरुथर का वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए चल ही रहा है, उसमें से भी मैं कुछ कुछ आपके लिए क्लिप लेकर के आऊँगा, आप पढ़िए उसको, आपको सीखने को मिलेगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे बारे में बताइए और इस चैनल के बारे में बताइए। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।